शिमला धर्मशाला एनएच 103 पर जुखाला के नजदीक एक एचआरटीसी मिनी ट्रेवलर बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस के चालक व परिचालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी मार्केट में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं इस सड़क दुर्घटना में एचआरटीसी बस के चालक व परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। शिमला धर्मशाला एनएच 103 पर जुखाला के नजदीक एक एचआरटीसी मिनी ट्रेवलर बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बस के चालक व परिचालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी मार्केट में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं इस सड़क दुर्घटना में एचआरटीसी बस चालक व परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि धर्मशाला से शिमला जा रही एचआरटीसी बस के साथ ट्रक की टक्कर की जानकारी मिलते ही बरमाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जिन्होंने ट्रक को कब्जे में लेकर आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एनएच 103 स्थित गसौड़ के समीप मोड़ काटते हुए बस पर ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 3 यात्रियों को चोटें आई हैं। एचआरटीसी की एक मिनी बस जो धर्मशाला से शिमला की तरफ जा रही थी, उसको जो है वो एक ट्रक ने गसौड़ के समीप जो है टक्कर मार दी, जिसमें जो है बस के चालक और परिचालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जो है वो उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 सवारियां जो हैं उनको भी चोटें आई हैं, जिनको जो है वो सीएससी जो है मार्कंड में इलाज के लिए लाया गया है। इस धर्म में पुलिस ने जो धारा 279, 337, 338 आईपीसी के अंतर्गत जो है वो ट्रक चालक के खिलाफ जो है मामला पंजीकृत किया है और थाना बरमाना में जो है वो जांच इसकी चल रही है और जैसे भी हालात होंगे उनके मुताबिक जो है वो पुलिस जो है वो आगामी कार्रवाई।